गया जी में राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राजद पर पलटवार करते हुए जमकर कटाक्ष किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में आपराधिक मामले में अभी तो झलक है और छोटा सा ट्रेलर है। अभी तो राष्ट्रीय जनता दल आधा अधूरा सत्ता है। भगवान न करे जिस दिन राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से सत्ता में आ गए तो बिहार का तब क्या होगा, सोचकर ही बिहार के लोग डर जाते हैं। अभी तो शुरुआत है, इसलिए तो मैं हर जगह जाकर ये कह रहा हूँ कि ऐसी वैसी स्थिति ना हो, बिहार को आरजेडी से बचाना पड़े। ये सब कहना था राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का। साथ ही उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव पर जो ईडी और सीबीआई की कार्यवाही हो रही है वह आज पहली बार थोड़ी हो रही है। केंद्र में जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तब से उन पर कार्यवाही हो रही है। आरजेडी द्वारा जो कहा जा रहा है हमें परेशान किया जा रहा है, तो सबसे पहले परेशान इन्हीं के लोगों ने शुरू किया। बिहार में आज ओवैसी का दौरा है सर, क्या कहना चाहेंगे? तो ये सब पार्टी जो भी पार्टी है अपने हिसाब से करते हैं, उनका एक मांग है कि अब जो है भारत को इस्लामिक देश घोषित किया जाए। देखिए इस तरह की बात कोई करे तो उसको लगता है कि हिंदुस्तान के संविधान के विपरीत मांग है। हिंदुस्तान का संविधान है किसी भी धर्म के आधार पर राज्य की स्थापना हो, किसी भी तरह से हिंदुस्तान का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। क्या सर कि पिछले बार आप ओबीसी के साथ में चुनाव लड़े थे, इस बार 24 और 25 में क्या तालमेल रहे? 24 25 में तालमेल की बात जहाँ तक है, गठबंधन की बात जहाँ तक है, तो अभी तो कुछ दिन पहले हमारी पार्टी चुनी, हमने अभी तय नहीं किया, अपने साथियों के साथ बैठे थे तय करेंगे और तभी हम बता पाएंगे कि हमको गठबंधन किस रूप में करना है। लेकिन हाँ इतना तो तय है कि जो मकसद है हम बार बार कर रहे हैं कि 2005 के पहले वाले जो लोग हैं उनके नाम को याद नहीं जाने दिए, तो इस मकसद के अनुकूल या इस रास्ते पर और चलने वाली जो भी राजनीतिक ताकत होगी बिहार में हमारी दोस्ती उनके साथ हो सकती है। सर 2000 मुजफ्फरपुर में डॉक्टर के जो पहले वाले लोग हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं, नगर का इलाका यहाँ जीरो पर नीतीश कुमार जी आउट हो गए थे, तो हम लोग को भी लगा कि अगर ऐसी स्थिति रह गई तो आगे चलकर के तो ही 2005 वाले लोग का बाल एक तरह से जाने अनजाने प्रशस्त हो जाए और लोग भी अपना कुर्ता धोती ठीक भी करने लगे थे। हमको लगा कि अब ऐसी स्थिति आएगी तो मेरे ऊपर इस बात की जवाबदेही है लोगों का हो जाएगा कि आपके चलते 2005 जो पहले वाले फिर आ गए। हम हर कुछ राजनीति में बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन 2005 के पहले जिन्होंने ने बिहार को हर तरह से बर्बाद कर दिया था उनके हाथों में मेरे किसी कदम के चलते बिहार चला जाए यह मुझको मंजूर नहीं था। इसलिए हम फिर नीतीश कुमार के साथ हो और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमको लगा कि बिहार को हम आगे बढ़ा पाए। चल ही रहा था सब ठीक ठाक लेकिन हमको क्या मालूम था कि नीतीश जी उसी के साथ में सरेंडर कर जाएंगे जिसको रोकने के लिए नीतीश जी के पीछे हम खड़े हो गए। नीतीश जी के पीछे जिस मकसद से खड़े थे नीतीश जी ने ही अपना घुटना टेक दिया उसी के समक्ष, तब हमको लगा कि फिर अब नीतीश जी के पीछे हम खड़े रहे तो बिहार फिर से उसी रास्ते पर जाएगा जहां नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमने ऐसा किया। और आज जब हम किसी के नाम ले लिया है तो हम बता रहे हैं आपको बाकी जिस दिन हम किसी के ले रहे थे पटना में बिहार के साथियों को हमने बुलाया था और वहां पार्टी के जो सब लोग उपस्थित थे साथी उनकी जो बात वहां आ रही थी उससे बिहार की जनता की भावना तो आ रही थी लेकिन फिर भी हमको लग रहा था कि पता नहीं हम लोग के डिसीजन को बिहार के लोग किस रूप में लेंगे। लेकिन हम जब निकले हैं तब लोगों का इतना समर्थन और एक तरह से कहा गया कि लोगों की मन में जो आप कह रहे हैं मुझसे हो गया था आशी पर चले गए थे वैसे लोगों की उम्मीद फिर से जगी है और उनकी उम्मीद के लिए ही हम जो भी राजनीति करते रहे हैं उनकी उम्मीद को हम कभी
पीछे नहीं पड़ने देंगे, इसलिए लोग सर 24-25 अब नजदीक आ गया है, अपने हिसाब से पार्टी बड़ी है और निकल पड़े हैं यात्रा पर, समझिए सबका होगा। सर आप कहते थे कि जो नीतीश जी को लालू जी ने नहीं दिया है वही हक मैं मांग रहा हूँ, वो हक कौन सा है सर? देखिए हम तो उस वक्त वो हक केवल बता दीजिए, हम उस वक्त क्या होता है, हम नीतीश जी से अगर आपको याद हो हमने कहा था कि हमको हिस्सा चाहिए जी, हमने कहा था कि हिस्सा चाहिए, हमने हिस्सा की बात जरूर की जी, लेकिन तब हिस्सा की बात की थी जब नीतीश जी के हाथ में कुछ था, लेकिन आपको नीतीश जी खुद ही जीरो पर आकर खड़े हो गए, पूरी पार्टी जो उन्होंने बंधक बना के आने के हाथ में, जो भी राजनीतिक कमाई जीवन भर की उनकी थी सबको आरजेडी की झोली में डाल दिया, सबको बंधक बना दिया और उनके हाथ में कुछ है ही नहीं और हम उनसे हिस्सा की बात कहा गया, अब जो बंधन को बनाने की कोशिश की है उस बंधन को हम नहीं होने देंगे, यह हमारी कोशिश है। हक का मतलब है कि जो विरासत जनता कर्पूरी ठाकुर जगदेव बाबू जैसे लोगों ने नीतीश जी के ऊपर बिहार की जनता के माध्यम से वह विरासत गई, उस विरासत को फिर से नीतीश जी आजादी के आम सौंपना चाहते हैं, पूरी विरासत को बचाना और यही हमारा हक है, उस पूरी विरासत को हम बचाए। सर पुलिस सिस्टम का क्या सर, उससे अभियान को फिर से चालू करने में उसके जो डिमांड आ रहा था तमाम डिमांड पर आज भी हम कायम हैं, शिक्षा में सुधार बहुत जरूरी है, शिक्षा में सुधार हुए बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता, खास करके जो गरीब घर के बच्चे हैं उनके लिए तो शिक्षा व्यवस्था बहुत चौपट है ही पहले से, तो इसको ठीक करने के लिए जो भी अभियान चला रहा हूं हम चलाए। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गया से रमेश कुमार की रिपोर्ट।